से कहीं नहीं जाएगी। रुद्र जी, आप पुलिस के काम में रुकावट डाल रहे हैं। क्यों आप एक गुनहगार की तरफदारी कर रहे हैं? साक्षी ने कोई गुनाह नहीं किया, उसका पति जिंदा है। भक्ति में शक्ति नहीं है या फिर इस संसार में तेरा अस्तित्व ही नहीं? बड़ी ही ढीठ हो तू, जरा भी शर्म नहीं आती ना तू? लगता है इस बार घर से धक्के देके बाहर निकालना पड़ेगा तुम्हें। बहुत हो गया जीजा जी, बहुत सुन लिया आपकी बात है। अब साक्षी के खिलाफ एक और लॉस मत करना। साक्षी ने कहा है कि ये मूर्ति यहां रहेगी, इसका मतलब है कि ये मूर्ति यहां रहेगी। मैं आपका मान रखता हूं, आप ही मेरी पत्नी का मान रखिए, समझ गए? ये क्या तमाशा हो रहा है? बाबूजी, मैं माता की मूरत बाहर भिजवा रहा हूं, और ये साक्षी कहती है कि मूरत यही रहेगी। क्यों आए हो तुम दोनों यहां? अब क्या बाकी रह गया तुम दोनों के इस घर में? ये घर बाकी रह गया है भैया। रुद्र जी ने मुझसे शादी की है, तो इस नाते इस घर पर मेरा भी उतना ही हक बनता है। और अगर ये हक हम तुम्हें ना दे तो कोई बात नहीं, मैं अदालत जाऊंगी। अगर तुम्हें इस घर का तमाशा दुनिया के सामने दिखाना है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ उसके लिए। रुद्र जी चले। माया, मेरा कमरा कहाँ है? अब खैर छोड़ो, मैं अपने आप ढूंढ लूंगी। तो बलि तुम्हारे लिए रुद्र हो गया। ये है तुम्हारी असली चाल, वो प्रेम, वो भक्ति, वो श्रद्धा, सब दिखावा था ना? देख रहे बाबूजी, समझ रहे हैं इस लड़की का इस घर में आने का मकसद? अरे मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हारी नजर में इस घर का पैसा है, यही मंसूबा बनाकर आई थी ना तुम? विष्णु भैया, पैसा किसे प्यारा नहीं लगता है? वैसे आप भी वो क्या कहते हैं, हाँ, वाटर प्लांट, आप वो करके लाखों रुपए कमाना चाहते थे। तो फिर अगर मैं पैसे के पीछे हूँ तो इसमें गलत क्या है? ¶¶
आ गई और आप लोगों ने उसे कुछ नहीं कहा। और बाबूजी आप, आपने भी उसे कुछ नहीं कहा? क्या कहूं, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो कोई क्या करे। साक्षी और रुद्र जितना नीचे गिर सकते थे गिर गए, तू क्या चाहती है मैं भी उतना ही नीचे गिर जाऊं? ये दोनों दुर्भाग्य हैं इस घर के लिए, और भाग्य मेरे वश में नहीं। साक्षी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा ये रूप, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? आप अपना वादा तोड़ रहे हैं। आपने मुझसे वादा किया था कि आप बिना कोई सवाल जवाब किए, बिना मुझसे कुछ पूछे, आप मेरा साथ देंगे। हाँ, पर साक्षी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। साक्षी बली जी, आप कुछ मत समझिए, बस आप मुझे इतना बताइए कि आपको मेरे ऊपर भरोसा तो है ना? है साक्षी। तो बस आप मेरा साथ दीजिए। एक मकसद है जिसे मैं अपने तरीके से पूरा करना चाहती हूँ। देखिए बली जी, मैंने आपके साथ एक नई जिंदगी तो शुरू कर ली है, पर अभी भी हमारे बीच कुछ दूरियां बाकी हैं जिन्हें खत्म होने में थोड़ा और समय लगेगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि जब तक हमारे बीच ये दूरियां हैं, तब तक हम लोग एक बिस्तर पर ना सोए। अब समझ सकते हैं ना? हाँ साक्षी, मैं समझता हूँ। बली जी, आप आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। राधा दीदी, राधा दीदी, मुझे दीदी मत कहो। ऐसा लगता है कि तुम गाली दे रही हो। मुझे लगा था जिस तरह रुद्र ने माया को धोखे में रख के शादी की, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। लेकिन नहीं, तुम्हारा इस घर में आने का मकसद समझ में आ रहा है मुझे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती साक्षी, तुम्हें रुद्र की असलियत पहले से पता थी या फिर अनजान होने का नाटक कर रही थी तुम? जो मकसद लेकर तुम इस घर में आई हो, वो मकसद मुंबई से बनाकर आई थी या फिर इस घर के पैसे को देखकर बनाया है तुमने? साक्षी, मैं इंसान परख में बहुत कमजोर हूं, इसीलिए एक इंसान से दो बार धोखा खा चुकी। लेकिन तुम्हें मैं दोबारा मौका नहीं दूंगी। और हाँ, आज के बाद मुझसे बात करने की या फिर मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना। दीदी, बात तो सुनिए।
भगवती भगवती निशेष जाड़ा। माँ मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं जानती हूँ मैं ये जो कर रही हूँ उससे सबको दुख पहुंचा रही हूँ मैं, मगर माँ इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। अगर इस परिवार को एक साथ समेट कर रखना है तो मुझे ये सब करना होगा, इसलिए मुझे बुरा बनना होगा माँ, सबकी नजरों में मुझे बुरा बनना होगा माँ। पंडित जी ने मुझसे कहा था कि मैं ये चूड़ियां अपनी पत्नी को पहना दूं, और माता रानी जानती है कि मैंने अपने सच्चे दिल से तुम्हें अपनी पत्नी माना है। मैंने तुम्हें आज तक कुछ नहीं दिया, इसे हमारे रिश्ते का पहला तोहफा मान लो। मैंने बलिची से झूठ कहा कि मैं उनके साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रही हूँ। सच तो ये है कि बलिजी पर सिर्फ और सिर्फ राधा का हक है। ये सुहाग की चूड़ियां मेरे मांग का सिंदूर, ये सब राधा की अमानत है जो मेरे पास है और जिसे मैं एक दिन उनको वापस करूंगी, जरूर करूंगी। बस माँ मुझे इतनी शक्ति देना कि मेरे कदम मेरे रास्ते पर ना लड़खड़ाएं, मैं कमजोर ना पड़ूं। इसलिए अपना आशीर्वाद अपनी इस बेटी पर हमेशा बनाए रखना माँ, हमेशा बनाए। ऐसा ही हो रहा है जैसा आपने कहा था। साक्षी धीरे धीरे हमारे जाल में फंसती जा रही, उसे लग रहा है
कि वो इस घर की उलझनें सुलझा देगी एक दिन, पर वो बेचारी इस बात से अनजान है कि वो सारी उलझनें आपकी वापसी का रास्ता बन रही हैं। उसकी अच्छाई ही पाप की अमावस को इस दुनिया में वापस लाने वाली है। वो दिन दूर नहीं है जब आप लौटेंगे और हम मिलकर वो हासिल करेंगे जिसका बीज साक्षी के अस्तित्व में ही कहीं छुपा हुआ है। बस कुछ दिन और। चांदनी से थी कालिक मेरी, पर मिटता नहीं अंधेरा रोशनी के बाद भी। दिया उठा के देखो मुझे, मिलूंगा उसी रोशनी के पास ही। मर के भी न मर पाया मैं हूँ, लौट के आया सिर्फ उसके लिए। जो मार कर भी ना मार पाया मुझे, सब माया है। अचानक कमरे में इतनी धूल कहां से आ गई? तो तिलक लगाए बगैर कहीं नहीं निकलते। आज तक जो इस घर में होता आया है ना कुसुम, वो अब नहीं होगा। इन ढकोसलों ने हमें दुख के अलावा और कुछ नहीं दिया, लेकिन अब और नहीं। और कुसुम, मैं चाहता हूं कि इस घर में
माता रानी से नाता रखने वाली कोई भी चीज हमारे आड़े नहीं आनी चाहिए। आज के बाद ये क्या शोर शराबा लगा रखा है तुमने? सुबह सुबह सबकी नींद खराब कर दी है। सुना नहीं था कल बाबूजी ने क्या कहा था कि इस घर में ये पूजा वूजा कुछ नहीं होगी? कुछ दिमाग में घुसा नहीं क्या तुम्हारे? विनोद, बाबूजी ने मुझसे ये भी कहा था कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं, तो क्या मैं गई? नहीं ना। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बाबूजी की सारी बातें सुनूंगी? और वैसे भी माता रानी पर सिर्फ उनका विश्वास उठा है, मेरा नहीं। खैर, अब तुम आ ही गए तो आरती लेकर ही जाना, ठीक है? क्या से क्या हो गया माया? मैंने सोचा था कि साक्षी और रुद्र के यहां से जाते ही मैं आगे का कामकाज सोचूंगा, लेकिन सब कुछ चौपट हो गया। मेरी समझ में नहीं आता माया, ये आखिरकार साक्षी सीता से गीता कैसे बन गई? अरे, मेरे को चैन से सोने तक नहीं दे रही है वो। और मेरी एक बात जान लो, जिस तरह के साक्षी तेवर दिखा रही है ना इस घर में, मुझे नहीं लगता कि वो बिना किसी मकसद इस घर में आई है। इससे पहले कि साक्षी हमारे सीने पर मुंह डाले माया, इस घर से साक्षी का पत्ता साफ करना ही पड़ेगा। अब तुम मुस्कुरा क्यों रही हो माया? मैंने कोई चुटकुला सुनाया है या फिर मेरी शक्ल जोकर जैसी है? अब तुम्हारे इस छटपटाहट को क्या कहूं दामाजी? रूपा से न मिलने का गम या कुछ और? माया, बकवास मत करो। क्या करना है ये बोलो। हमें बड़े बूढ़ों वाला काम करना होगा, धीरज धरना होगा हमें। और दामाजी, आप भी थोड़ा धीरज धरिए। और रही बात उस साक्षी रानी की, तो दामाद जी, मैं तो अपना खेल खत्म कर चुकी, लेकिन अब उसे दोबारा मेरे साथ खेल खेलना है तो ठीक है, खेल। और खेल खेल में तो चोटें लगती रहती है ना दामाद जी, बस कुछ चोटें बहुत खतरनाक होती हैं। तुम करने क्या वाली हो माया? मैं जानती हूं, मैं ये जो भी कुछ कर रही हूं वो मेरे संस्कारों में नहीं है, मगर मां, अगर इस घर को एक साथ समेट कर रखना है तो
तो मुझे ये करना ही होगा। इस घर की बुराई को सिर्फ बुराई ही खत्म कर सकती है, इसीलिए माँ मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं अपनी राह पर बिना डरे बिना हिचकिचाए अपनी मंजिल को पा सकूं। बस माँ इतनी हिम्मत देना मुझे। माँ जी आरती लीजिए। चेहरे पे इतना भोलापन और सीरत इतनी काली, तेरी जुबान कुछ और बोलती है और आंखें कुछ और। छीनने वालों की शक्ल तेरी जैसा नहीं होती। सब कुछ बर्बाद कर दिया तूने इस घर में, फिर भी तेरे ऊपर गुस्सा नहीं आता है। क्या फरेब बुन रही है तू साक्षी? माँ जी भला माता रानी की आरती में क्या फरेब हो सकता है? मैं तो बस माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ बांट रही हूँ। आरती ले लीजिए। जरूर लूंगी। जिस दिन तेरी असली शक्ल मेरी सामने आएगी उस दिन मैं ये आरती जरूर लूंगी। आपने सही कहा है, ये मेरी असली शक्ल नहीं है। असली शक्ल वाली साक्षी बहुत कमजोर है, वो और सह नहीं पाएगी। माँ जी अगर मुझे इस घर की खुशियाँ लौटानी है तो ये मुखौटा बहुत ज़रूरी है। एक दिन आप मेरे हाथों से आरती ज़रूर लेंगी माँ जी, और आशीर्वाद भी देंगी। माँ भले ही इस बार की आरती में कोई शामिल हो या ना हो, मगर मैं आपकी बेटी आपसे ये वादा करती हूँ कि अगली माता की चौकी जो होने वाली है उसमें इस घर का पूरा परिवार शामिल होगा, और उस माता की चौकी को पूरे मन से निभाएंगे वो सब लोग। और ये मेरा आपसे वादा है। आप बैठ जाइए। तो मुझे तो कोई घुटन नहीं है यहाँ, और बहुत भूख भी लग रही है। साक्षी मुझे नाश्ता नहीं परोसोगी? नहीं रुक,
ऐसे मत देखो मुझे, मैं डर जाऊंगी। तुमसे कहा था साक्षी, हमें यहां पर नहीं आना चाहिए था। देखा तुमने, हमारी वजह से सब लोग चले गए। भली जी, अगर आज सब लोग हमारे वजह से यहां से गए हैं तो आप देखिएगा, एक दिन वो सब लोग हमारे पास आएंगे, हमारे साथ होंगे वो लोग। मैं जानती हूं कि मेरी वजह से सब लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, मगर भली जी, इसी तकलीफ में इस घर की खुशी छुपी हुई है। भली जी, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर आप देखिएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ भली जी, आप अपना मन छोटा मत कीजिए। चलिए अब आप नाश्ता कर लीजिए। अच्छा भली जी, आपने मेरा वो मंगलसूत्र ठीक होने के लिए दे दिया? हाँ साक्षी, दे दिया। उन्होंने कहा है कि कुछ और दिन लग जाएंगे। कोई बात नहीं। अच्छा भली जी, बाजार से कुछ सामान आया था पूजा के लिए, आप लाएंगे? सामान कैसा? आरती का दिया, कपूर, कपास और वो तेल जो पूजा में इस्तेमाल होता है, और थोड़े से फूल, आप ला देंगे? ठीक है, जब बाहर जाऊंगा ले आऊंगा। पूजा का सामान, घी, तेल, दिया, कपास, कपूर। तो इस घर की छोटी बहू को पूजा के लिए तेल चाहिए। अरे विनोद, वो ग्वालियर वाली जमीन पर बॉटलिंग प्लांट का काम कब शुरू हो रहा है? अरे कल शुरू हो रहा है ना भैया, मेरी कॉन्ट्रैक्टर से बात हो गई है, बस करीबन 5 लाख रुपए उसे एडवांस देने होंगे। ठीक है, मैं राम चाचा जी को फोन कर देता हूँ, तुम उनसे ले लें। जी भैया, चलो। माँ, आपने साक्षी को देखा? साक्षी इस घर को छोड़कर जा चुकी है रुद्र, और वो कभी इस घर में वापस नहीं आएगी। क्या किया तुमने साक्षी के साथ? मैंने किया? मतलब अब साक्षी के साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार मैं होंगी? मुझे पता नहीं है वो क्यों गई है, जाकर खुद उसी से पूछ लो, अगर वो तुम्हें मिल जाए। अरे नारायण जी, नातिन गई तो नाना जी आ गए। वैसे आपको पता होगा कि आपकी लाडली कहाँ है और उसने इस घर में क्या क्या गुल खिलाए। अरे पता क्यों नहीं होगा माया, मुझे तो लगता है कि इन्होंने ही साक्षी को सिखा पढ़ा कर भेजा है। बहुत हो गया, तमीज से बात कीजिए आप। किस किस की जबान रोकोगे तुम? दोष इन लोगों की जबान में नहीं, तुम्हारी करनी में है। वाह पंडित जी, वाह।
कितने सुंदर संस्कार दिए हैं आपने अपनी बच्ची को। पैसे के लिए इंसान कितना नीचे गिर सकता है, ये मैंने आपकी बच्ची से ही जाना है। प्रखंड पंडित हैं आप तो, सैकड़ों किताबें पढ़ी होंगी, ज्ञान का भंडार है आप। ये नहीं जान पाए कि इंसान इस संसार में ना कुछ लेकर आता है और ना ही कुछ लेकर जाता है। सही कहा आपने हरिनारायण जी। चलिए कुछ समय के लिए मान लेते हैं मैं अपनी बच्ची को सही संस्कार नहीं दे पाया, लेकिन मेरी बच्ची, बच्ची के चेहरे पर इस घर के संस्कारों की छाप पड़ गई है। देखना चाहेंगे आप? देखना चाहेंगे? साक्षी, देखिए हरिनारायण जी, देखिए आपके घर के संस्कारों की देन है ये हरिनारायण जी, देखिए। तुम्हारे चेहरे पर ये घाव, ये सब किसने किया तुम्हारे साथ साक्षी? ये सब मेरे साथ माया ने किया है। ये सब तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने साक्षी पे हाथ उठाया? रुक जाओ, रुक। सच सच बताओ माया, क्या तुमने इसे मारा था? बाबूजी, झूठ बोल रही है ये। झूठ तुम बोल रही हो माया, साक्षी की ये हालत तुमने की है, तुमने। पर मैं भला इसे इतनी बुरी तरीके से क्यों मारूंगी? और अब इसे मारकर मुझे मिलेगा क्या? तुम्हें लगा बलि साक्षी का साथ दे रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो साक्षी यहां से जाने से नहीं, इसलिए तुमने ये रास्ता अपनाया। वाह पंडित जी, कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। पंडित जी, मैंने कहा ना कि मैंने कुछ नहीं किया। तुमने साक्षी पर हाथ नहीं उठाया? तुमने साक्षी पर हाथ नहीं उठाया? हाँ उठाया है, पर मैंने बस अब किसी सफाई की जरूरत नहीं है। गलत किया तुमने, बहुत गलत किया तुमने। ये आपके संस्कार हैं, संस्कारों की
दुहाई दे रहे थे ना आप मुझे, अब कहिए। कान खोल कर सुन लो बली, आज तो मैं चुप रहा लेकिन अगली बार किसी ने भी मेरी बच्ची के साथ गलत व्यवहार किया, मैं अकेले नहीं पुलिस के साथ आऊंगा। माफी मांगो साक्षी से, मैं कहता हूं माफी मांगो साक्षी से। पर बाबूजी, जो कह रहा हूं वो करो। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे गैरों के सामने सर झुकाना पड़ रहा है। माफी मांगो माया, जाओ माफी मांगो। मुझे माफ कर देना साक्षी, अच्छाई को साबित करने के लिए बुराई का सहारा ले रही है वो, मतलब मेरे पाले में आखिर आ ही गई वो। मेरे पद चिन्हों पर चलेगी अब वो। आपकी बेटी जो हमेशा से मेरे रास्ते का कांटा थी, अब वो मेरी ढाल बनेगी। लेकिन तलवार मेरे ही हाथ में होगी। सुना आपने माता रानी, तलवार मेरे ही हाथ में होगी। माया को सबक सिखाने के लिए सब किया था, इतना बड़ा तमाशा तुमने माया को सबक सिखाने के लिए किया था। देखो साक्षी, तुम माया के साथ क्या करती हो उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, मगर मेरे परिवार के साथ तुमने जो किया उसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? आ जान हाँ, तोहफा? अरे तोहफा मेरे हाथ में है, पूरे 5 लाख रुपयों का है। अरे घर है ना मेरे पास उल्लू बनाने के लिए,